विधवा विकलांग महिला की जमीन पर जेठ ने चलाया ट्रैक्टर, महिला ने इंसाफ न मिलने पर बच्चों सहित आत्मदाह की दी चेतावनी। नमस्कार, यूएफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। जनपद मुजफ्फरनगर में जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया गया है, वहीं एक विधवा विकलांग महिला पर उसके जेठ द्वारा अत्याचार करने का मामला सामने आया है, जिसमें थाना तितावी क्षेत्र के गांव लड़वा निवासी एक विधवा विकलांग महिला ने अपनी कई बीघा तैयार फसल को ट्रैक्टर से तबाह करने का अपने जेठ पर आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि फसल तबाह करने का उसके द्वारा विरोध करने पर उसके घर में घुसकर हाथापाई करते हुए जेठ ने मारपीट करने का प्रयास किया और उसके हिस्से की जमीन हड़पने के लिए उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित महिला की जमीन पर रात्रि के समय उसके जेठ द्वारा खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। पीड़ित महिला ने उक्त मामले को लेकर तितावी थाने में शिकायत पत्र दिया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस द्वारा इंसाफ न मिलने को लेकर पीड़ित विकलांग महिला ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी। आपका नाम? राधा। आप कहाँ के निवासी हो? लड़वा के। क्या मामला हुआ आपके साथ? जमीन का मामला है। ये जमीन हमारी, हम ही बो रहे 35-35 साल से हम ही बोते आ रहे हैं इस जमीन को। ये हमारे हिस्से में आ रही है। मेरे हस्बैंड के गुजरने के बाद में वो जमीन मेरे से छीनना चाह रहे और मैं यही जमीन रखना चाहती हूँ। अब फिर मैंने अपनी मुंजी बोई और अपने उड़द बोए, 13 बीघे मुंजी और 6 बीघे उड़द, मेरे वो भी फसल नष्ट कर दी, हैरों से बवा दी पसरों पसर। कब करी ये? कल पसर में 4 बजे के बाद। आपने विरोध नहीं किया उनका? हाँ, विरोध किया है। मेरे को पड़ोसी हमारे हैंगे, वो घूमने आते थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर चल रहा। फिर मैंने अपने भाई को जगाया, वो आए यहाँ पे, उन्होंने पहले मौके पर आते सार उनकी वीडियो बनाई और फिर उनसे विरोध करा। विरोध करने के बाद में उसने ये कहा कि साले भाग जाऊँ यहाँ से, नहीं ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। और पिस्टन भी दिखाया, उसके पुत्ते ने पिस्टन दिखाया और फिर घर पर जाने के बाद, घर पर पहुँच गए ट्रैक्टर ले गए और फिर हमारे घर जाकर हत्तापाई करी हमारे साथ, मेरे कपड़े फाड़े और फिर क्या नाम जी, महकार ट्रैक्टर ले गए, उसी टाइम निकल लिया वहाँ से और जब से अब तक का वो घर पर नहीं पहुँचाया। क्या आपने इनके खिलाफ तहरीर दी? हाँ दी है मैंने, तहरीर दी है, कोई एक्शन नहीं हुआ है अब तक। पुलिस मौके पर भी आके ये नहीं देखा है कि कहाँ फसल नष्ट हुई कहाँ नहीं हुई, कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया गया अब तक उसके खिलाफ। मैं कार्रवाई की ये मांग चाहती हूँ, जितनी फसल मेरी नष्ट करी है दोनों बार की, दोनों बार का मुझे मुआवजा मिले और उसको कैड़ी से कैड़ी सजा मिले, वरना अगर नहीं मेरी सुनवाई हुई तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ में आत्महत्या कर लूँगी। जब हमारी नहीं सुनवाई होने की, ना सुनवाई हो रही है, ना मेरे साथ परिवार वाले हैं, ना कोई रिश्तेदार हैं, तो मैं और क्या करूँगी? इससे अच्छा तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ में मर जाना पसंद करूँगी, जब मेरे साथ इतनी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, UFT लाइव टीवी।